2020 नहीं बल्कि 2019 में ही भिड़ेंगे सलमान खान और अक्षय कुमार, जानिए पूरी न्यूज। हाय फ्रेंड, मैं हूं रॉब, देख रहे ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, सलमान खान और अक्षय कुमार के फैंस हाल ही में इस बात से राहत की सांस ली थी कि 2020 में इंसा अल्लाह और सूर्यवंशी के बीच मेगा क्लैश नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि ये दो महारथी 2020 नहीं बल्कि 2019 में ही भिड़ने वाले। दरअसल इस साल 20 दिसंबर को सलमान खान की एक्शन फिल्म दबंग 3 रिलीज हो रही है और इसके एक हफ्ते बाद यानी 27 दिसंबर को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज। अब ऐसे में तो बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों की कमाई के बीच महासंग्राम होना तो तय ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं, तो वहीं अक्षय कुमार गुड न्यूज की शूटिंग से निपट चुके हैं। हालांकि गुड न्यूज की रिलीज डेट पहले भी एक बार बदल चुकी है। पहले ये फिल्म 6 दिसंबर को रिलीज हो रही थी, लेकिन मेकर्स ने फिर इसे 27 दिसंबर को रिलीज करने का प्लान किया। दोस्तों, ऐसे में अब दबंग 3 और गुड न्यूज के बीच एक हफ्ते का ही अंतर है और ये एक हफ्ते का अंतर ही बड़े बड़े कारनामे कर सकता है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। उससे ये साफ है कि यह फिल्म 3 दिनों में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर लेगी और वहीं क्रिसमस की छुट्टी का फायदा भी इस फिल्म को जरूर मिलेगा। लेकिन किसी भी फिल्म की कमाई ऊपर जाएगी या नीचे, ये जानने के लिए अब एक हफ्ता ही काफी होता है। दोस्तों, एक हफ्ते फिर अक्षय कुमार की गुड न्यूज रिलीज होनी है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर, दलजीत दोसांझ और किराया अडवाणी जैसे स्टार्स हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म सेरोगेसी पर आधारित है। ऐसे में अगर एक हफ्ते में सलमान खान की दबंग 3 अपनी कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ाने में कामयाब होती है, फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर ये फिल्म एक हफ्ते में उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाई तो गुड न्यूज की वजह से इसकी कमाई पर असर जरूर पड़ सकता है। दोस्तों, अब तो ऐसे में यह तो तय है कि सलमान और अक्षय दोनों के फिल्मों के बीच महासंग्राम तो होगा ही होगा। वैसे आपके मुताबिक इस महासंग्राम में किसकी होगी जीत, कॉमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe my channel and press the bell icon.